Because women empowerment, I'm very intrigued with women and the way they are. Basically, women are very considered, I consider women to be very strong, but people have not, they have underestimated women. So I want to glorify women, and I feel women can do a lot equally like men. तो ये women के ऊपर film बनाने का ये उद्देश्य है कि मैं एक message cross करूँ, pass करूँ सबको कि women are equally important like men and they can beat right till the end and support the family and be there and fight back and you know उनके अंदर एक patience भी है, एक endurance है, एक love है सबके लिए but when you push a woman in a corner she can get back in a very big way. So this is what my message I want to cross to. इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें तो काफी अच्छी तरह से इन्होंने एक्टिंग भी की है तो यही मुख्य किरदार के रूप में आपने ये क्यों चुना? एक्टर्स को? Basically जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं when we make a story उसके बाद कास्टिंग is very important because एक कास्टिंग जो चीज होती है which takes your movie forward. तो मधु I have seen her movies, Roja देखा मैंने काफी कुछ फिल्में देखी हैं, so I felt Madhu is the right choice for my this character because उसका जो face है, the way she acts, she's got that sweetness, softness, but also she's got that power in her, which I got to see her in Roja film that you know she showed both sides of hers. तो I instantly मैंने Madhu के बारे में ही after I finished my script I thought about her. That she would be the right person to do this film, and also it will be a fresh thing because she, you know, उन्होंने काफी break लिया था बीच में, and I thought it will be a nice fresh thing for her also to come back and do this kind of a powerful role, which will really give a good effect to it. So that's why I took Madhu. Ma का role जिसने किया है Pravina ji, she is fantastic. I think one of the best actresses we have, and she's really मैंने उनका एक ad देखा था, मान्यवर करके एक ad था. तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा इमोशनल एक माँ का रोल किया और वो डायलॉग्स नहीं थे बट एक्सप्रेशंस थे नेचुरली एड फिल्म्स में डायलॉग नहीं होते ज़्यादा तो मैंने वही देख के मेरे को लगा कि ये चॉइस राइट होगी मेरे मदर के लिए रोल के लिए तो लकीली क्या हुआ कि मधु और प्रवीणा जी के बीच में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होगी एंड इट हेल्प माई फिल्म कुछ कह सकते हैं ये मेरे को करना है कहना है और बिफोर आई गेट इन टू द फीचर फिल्म ब्रैकेट मेरे को और दो तीन शॉर्ट फिल्म्स बनाने हैं और अवेयरनेस स्प्रेड करना है और लोगों को बताना है मैंने पॉजिटिव एक फिल्म बनानी है एक मैसेज क्रॉस करना है लोगों को एंड मैं अपनी फिल्म बना के खाली यूट्यूब में रिलीज़ नहीं कर रहा मैं उनको फेस्टिवल्स में भेजता हूँ आई वांट टू सेंड टू फेस्टिवल्स कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली मेरी फिल्म जाए और ये फिल्म एक्चुअली आई थिंक all around the world like Los Angeles, London, Milan, Australia, काफी ऐसे जगह हैं जहाँ पर official choose हुआ है. कोलकाता में I won awards for best script and best short film. तो ये एक message है जो मैं चाहता हूँ कि पूरे world में spread हो. मेरी next film भी कुछ इसी lines में है जो मैं plan कर रहा हूँ. जैसे बाहर देशों में अपने film को अपने काम को जब सराहा जाता है तो आपको क्या feel? It feels very good, अच्छा ही लगता है because हम उनको जानते नहीं ना वो हमें जानते हैं तो मैं एक पिक्चरें वहाँ भेज रहा हूँ मेरी फिल्म भेजा मैंने and they have liked जो कॉन्सेप्ट मैंने चूज़ किया जो पावरफुल मैंने वुमेन को दिखाया है आई थिंक दे मस्ट हैव लाइक्ड इट दैट्स व्हाई दे हैव चोजन मी माय फिल्म यू नो तो बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि इंटरनेशनल एक्लेम मिलना इज नॉट दैट ईजी सर कहीं ना कहीं कंपटीशन इस तरह से ना बढ़ जाती है तो फिर आपका क्या विचार है क्या किस तरह से फिर आगे शॉर्ट फिल्मों को और लाइक मजबूत करने के